रूस दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच विदेश मंत्री का दौरा, पूरी दुनिया की जयशंकर के दौरे पर निगाहें। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की अपनी दो दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां विदेश मंत्री अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सर्गेई लावरोव के बीच आज मॉस्को में मुलाकात होनी है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जयशंकर की रूस यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत तटस्थ रहा है। भारत ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। हालांकि इस दौरान पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर दबाव भी बनाया गया, लेकिन भारत ने ना तो रूस का साथ दिया और ना ही यूक्रेन का। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम करने की बजाय और बढ़ा दिया है। एस जयशंकर के इस दौरे की अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि कुछ दिनों पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन दो बार भारत के प्रधानमंत्री और भारतीयों की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में एस जयशंकर का यह दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें जयशंकर के इस दौरे पर टिकी हुई हैं। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार तारीफ करते रहे हैं। एक हफ्ते में उन्होंने दूसरी बार भारत की विकास गाथा की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि भारत के लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं। पुतिन का यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा से कुछ दिन पहले ही आया है। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की थी। भारत और रूस के बीच बढ़ती करीबी ने चीन को भी टेंशन में डाल दिया है। जो चीन अब तक रूस के खिलाफ बयान देने से बचता रहा, उसने भी अब अपने दोस्त रूस के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जो मॉस्को को शायद पसंद ना आए। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी को गलत बताया है। इस बीच जयशंकर का रूस दौरा काफी अहम हो जाता है, वो भी तब जब अमेरिका और पश्चिमी देशों का भारत पर दबाव है। इस दबाव को हवा में उड़ाते हुए विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच गए हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश मंत्री का रूस दौरा और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच निकटता और बढ़ी है, उससे चीन और अमेरिका दोनों को टेंशन है।